हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। फिर से हम लोग नई जगह पे रेस्क्यू करने के लिए आ गए। दोस्तों हम लोग इस समय वाराणसी के एक छोटे से गांव मंगलावीर में हैं और देख सकते हैं दोस्तों यहां पर एक बहुत ही खतरनाक सांप है। पहले से लोग बता रहे बहुत तो काला सांप है, तो दिखाते हैं आपको कैमरे से, देखते हैं कौन सा सांप है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह एक स्पिटिकल कोबरा है और इसको लोग गाँव में नाग कहते हैं और गेहूंगन कहते हैं। काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों और काफ़ी आक्रामक होता है और इसके अंदर जो जहर पाया जाता है दोस्तों वह न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है और काफ़ी जहरीला होता है दोस्तों ये। और देख सकते हैं दोस्तों ये कितना तेज और कितना भयानक है। रतन जी जैसे अपने पैर उसके साइड किए तुरंत ही काटने के लिए कोशिश किया, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप लोग ये वीडियो देखकर जो लोग नए हैं कभी भी इसको कॉपी करने की कोशिश ना करें जब तक आपको इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ना हो और सांपों के बारे में जानकारी ना हो। अगर आप इसका कॉपी करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर यह काट लेगा और इलाज नहीं हुआ समय पर तो फिर मौत भी हो सकती है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से अपना तेजी दिखा रहा है और काटने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं दोस्तों बाहर निकाल दिए हैं रतन जी इसको। अरे बाप रे, देखिए दोस्तों किस तरीके से यह बाइट किया है। देख सकते हैं दोस्तों जूते पर जहर का निशान दिख रहा है इसका। अगर ये जूता ना पहने होते तो सोचिए दोस्तों क्या हो सकता था। इसलिए सेफ्टी सुरक्षा बहुत जरूरी होता है दोस्तों। छोटी सी लापरवाही जान पे हाथ धो बैठेगी। और इसलिए दोस्तों हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप लोग कभी भी वीडियो को देखकर ऐसा गलती करने की कोशिश ना करें कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सर्प मित्र सब होने के बाद भी सांपों से अपना जान गवा चुके हैं। अरे घबराए मत आप लोग, क्योंकि दोस्तों वो कहावत आप लोग ने सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही इसकी भी कहानी है। अगर आप कोबरा जैसे सांप और कॉमन क्रैच जैसे सांप का रेस्क्यू कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि ये कब पलटकर कब वार कर देंगे ये कोई नहीं जानता। अभी जैसा कि आप देखे हैं कि रतन जी के पैरों में जो जूते पहने हैं उस पर वह बाइट किया, काट लिया। हालांकि वो जूता इतना मजबूत है कि वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सांप देख सकते थे दोस्तों कि उनके जूते पे जहर दिख रहा था। अगर सोचिए अगर कोई बिना जूतों का अगर सांप पकड़े तो क्या होता, तुरंत रतन जी को हॉस्पिटल जाना पड़ता। लेकिन ये सबका दुआ है। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यह दौड़ा रहा है काटने के लिए, पर समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। भागने की जगह दौड़ा रहा है काटने के लिए। इनके अंदर एक यही क्वालिटी होती है दोस्तों कि यह जब अपने आप को खतरा महसूस करते हैं तो भागने की जगह दौड़ाते हैं और काटने की कोशिश करते हैं। और वास्तविकता बताएं दोस्तों ये सांप बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जहरीला है। अगर कभी भी ये सांप किसी को काट ले दोस्तों तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो इलाज है एंटीवेनम द्वारा ही किया जा सकता है। और हालांकि जो वाराणसी ज़िले की मैं बात बताऊं तो अपने क्षेत्र में मिर्ज़ापुर ज़िला पड़ता है और कछवा क्रिश्चन नाम से एक हॉस्पिटल है जहां
सांप के काटने पर इलाज किया जाता है। तो अगर क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा आप हॉस्पिटल का भी सहारा ले सकते हैं। आप लोग किसी भी झाड़ फूँक के चक्कर में दोस्तों बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ने से कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और हम भी अपना राय यही देंगे कि आप झाड़ फूँक के चक्कर ना पड़े। तो देख सकते हैं दोस्तों, रतन जी उसको पकड़ कर डब्बे के अंदर बंद कर रहे हैं। और ऐसा कई बार देखने को मिलता है दोस्तों कि सांप अक्सर बाइट कर लेता है, काट लेता है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सेफ्टी रहता है तो बहुत बार सर्प मित्र लोग बच जाते हैं। और बहुत लोग दोस्तों मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि ये मंत्र से पकड़ा जाता है और कोई ऐसा कुछ रहता है, तो मैं बता दूं कि ये सब गलत बात है, अफवाह है और ये सब एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कभी आप ऐसा गलती करने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए जगह पर नए रेस्क्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।